हाँ ऐसे ही वहाँ पे रैंप वॉक करनी है, ठीक है? तो ये आशीष सर धुलाइया कर रहे हैं अपनी धनों की, मुझे काटना ही आता है। गाइज एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द गई फैमिली। आज है कियान के स्कूल में एनवायरमेंटल डे, गई फैमिली, और इसकी ड्रेस बनाई लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई, तो कियान के पापा एज यूजुअल जुगाड़ू, एक वो देखिए क्या रिबन, ओके जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही वहाँ पे रैंप वॉक करनी है, ठीक है? अभी बस हेड पे लगाना है, आवाज तो आती है ना, नॉर्मल रखो नीचे। यस कुछ वो मिल्क वगैरह लेना है, आप तो राजा बन गए। गर्ल के सामने बोलना, क्या दिखा रहे हो अपने बच्चे को? बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूं। बॉडी मिरर में देखो। चलो भाई जा रहे हैं हम तीनों को स्कूल छोड़ने, तीनों की तीनों को क्राउन, तीनों का क्राउन गर्ल के सामने पहन के रखना है क्राउन, ठीक है? तो पापा ने ये सब तो किया है, गर्ल्स के सामने नहीं उतारना होता, गर्ल्स के सामने फुल इंप्रेशन। हम ऊपर के जा रहे हैं, ओ अरे पैदल जाए, कोई वॉक तो कर रहा है अच्छे से, ठीक है? किनू रैंप वॉक करनी है स्कूल में। यहाँ जाम लग गया है और आशु सर को सब बच्चे जानते हैं, तो छोड़ के आ गए हम। सर आपको ऐसे कैसा लगता है जब बच्चे आपको ऐसे अचानक दिखते हैं बसों में से, ऐसे हाई करते हैं? अच्छा। मजा आता होगा यार, और ऊपर से सुबह सुबह भी कुछ नहीं मिलता, जैसे सर ने कहा मेरे दिल के बहुत करीब है, वो साइंस एंड फन पहन के निकल गए और वहाँ एक एक बच्चा देख रहा, आप तो बिल्कुल ही भैया ये तो साइंस एंड फन वाले ही हैं, एक एक बच्चा। तो हम घर आ गए हैं और आशु सर का टेस्ट होना है क्योंकि उनकी सर्जरी है 2 दिन बाद। आशु सर की ECG हो रही है क्योंकि कल सैटरडे को, मतलब अभी मैं आज जो बना रही हूँ ये व्लॉग है 6th of July, हाँ तो ये सर्जरी जो है वो 8th July को है थ्रोट की, उनका थ्रोट बहुत ख़राब है तो इसीलिए वो टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, फिर कल एडमिट होना है हॉस्पिटल में। तो यार कैसा बीतता है हमारा दिन आ चुका, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम छोड़ के आ गए उसको और हमारी मेड एक हफ्ते की छुट्टी पे है तो थोड़ा घर की सफाइयों में लगूंगी। वहीं आशु सर जो है वो अपना काम में लग चुके हैं क्योंकि वो उड़ गए थे कियान के लिए, तो वो अपना एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं अपने वीडियो की। मैं यहाँ सफाई वगैरह करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ रीमा ने मुझे बोला है कि एक वीडियो बनानी है बिहाइंड द सीन की, रोज मम्मी बनाती है ना ब्रेकफास्ट, यारी माने बोला कोई कंटेंट नहीं है, मैं आज सब्जियां काट के दिखाऊंगी। क्या काट रहे हैं? जैसे मैं आपके साथ समय काट रहा हूं मैम, वैसे ही आप सब्जियां भी काट रहे हैं। बताओ यही फर्क है आपके और मुझे, समय काट रहे हैं और समय बीत रहा है तेजी से और आप काट रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ जबरदस्ती समय काट रहा हूँ, वैसे ही आप जबरदस्ती सब्जियां काट रहे हैं। बिल्कुल। तो घर का काम ऑलमोस्ट निपट चुका है, 9:20 हो रहे हैं और सफाइयाँ हो चुकी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है घर। लेकिन अब मैं नीचे आई हूँ स्पेशली, अब मुझे आशु सर ने बुलाया, रीमा ये भी ब्लॉग में ले ले, ये भी ब्लॉग में ले ले। तो ये आशु सर धुलाइयाँ कर रहे हैं अपनी धनों की। ये एक्चुअली ना सुबह कियान के लिए नहीं उठे थे, सुबह इसलिए उठे थे क्योंकि उनको अपनी धनों को धोना था और आज पानी आना था, क्योंकि हमारे इधर पानी एक दिन छोड़ के आता है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पानी एक दिन छोड़ के आता है, तो आज फुल पानी आ रहा है, तो ये अपनी गन्नों को पूरा चमका रहे हैं, धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और स्पेशली बुलाया है मुझे ऊपर से कि मैं काम छोड़, झाड़ू हाथ से छोड़ और आप ये भी देख मैं काम कर रहा हूँ, बदला। हम चाहते तो पानी बचा सकते थे, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, सीधा खड़ा कर देते, अब अभी अभी शुरू हुई है बारिश, मौसम सावन आ चुका है भाई, हैप्पी सावन टू एवरीवन। तो अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, और ये है व्यू, फुल बारिश हो रही है मस्त। ये मम्मी ने बनाया है पोहा, स्वादिष्ट। तो
सब्जियां तू काट रही थी सुबह? बस सब्जियां काट रही थी ना, बनाया क्या बोला आपने? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे काटना ही आता है बस। अरे यार मम्मी काम ही नहीं करने देती कोई, क्या करे? अब यार शुरू कर रहे हैं अपना काम, मम्मी किचन में काम कर रही है, मुझे लेने का समय आ गया है। अच्छा कीनू सुनो, इधर तो देखो कैसा हुआ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। आपको कैसा हुआ आज, वॉक करी थी आपने? आप स्कूल पहन के गए तो मैम ने वॉक करवाई है, कैसे लग रहे थे? मैम ने कुछ बोला? क्या बोला? इधर तो देख और क्या बन के आए थे बच्चे, सब बनते हैं। किसने दिए? इधर आओ, मैंने आपको सही सलामत ही बना के भेजा था, इसका क्या हालत किया, क्या कचुम्बर निकाला है इसका, हैं? ये क्या कचुम्बर निकाल दिया पूरे, इसका सारी मेहनत बर्बाद होगी। बताओ तो सही कैसे फट गया ये? नहीं मॉर्निंग में ही फट गया था। हाँ तो मैम ने डांटा क्या? सिल दिया तो कोई बात सीधे मुझे जवाब नहीं देता। आते ही भाई साहब को भूख लगी हुई थी क्योंकि फ्रेंच फ्राइज लेके गया था स्कूल में और इसका पेट नहीं भरता इन सब चीजों से, इसको प्रॉन्टी और बटर ही चाहिए होता है। क्या एक बात बता दो बस, कि आपने वो प्रॉप अपनी परफॉर्मेंस से पहले फाड़ दिया था या बाद में? पहले ही। ए भगवान मेरा पैसा मेरा समय फाड़ के ले आया तू। इनका नैप टाइम हो गया है, आशु सर बस रेडी हो रहे हैं, जाएंगे अब एकेडमी। यार आज आशु सर और मेरा व्लॉग जाना है, मैं उसी को एडिट करने में लगी हुई हूँ। एडिट ये आशु सर ने किया है, मैं बस मीम्स डाल रही हूँ बैठ के, मजा आने वाला है। वैसे इस वाले मजा आया होगा, हाँ देखा कि नहीं देखा वो व्लॉग जिसमें मैंने और Q&A राउंड वाला व्लॉग देख, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी इस चैनल पे जाके देख लो क्योंकि बहुत मजेदार व्लॉग है वहाँ मेरे और आशु सर के, आपको कुछ सीक्रेट जानने को मिलेंगे। और अभी हो गया है टाइम कियान को उठाने का, उठ जाओ कियानू, उठ जाओ, 3 o'clock होने वाला, टाइम होने वाला, क्यों जल्दी चलो, 5 minutes खेल रही हूँ, चलो चलो चलो। किनू से अभी चौके लग नहीं रहे हैं, अब हम बनाएंगे किनू के लिए मिल्क ताकि उसमें पावर आ जाए, है ना भाई? चलो भाई पावर बनाते हैं, चलो पावर लेके आते हैं किनू, ये रहा। चलो भाई कियान अपना मिल्क बनाएगा। अच्छे से मिक्स करो। वाव अब कियान ये पूरा फिनिश करेगा और इसकी बॉडी बन जाएगी और ये अच्छे अच्छे चौके छक्के मारेगा। ओके हाँ फिर मेरा टाइम भी हो रहा है बेटा जाने का, आज इसका बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं जाऊँ, तो इसीलिए पहले इसका खेलना पड़ेगा तभी जा सकते हैं। शाम से भी इसके मेरा वेट कर रहे हैं। आ गई अदा रानी स्कूल से आ गई सोतड़ू। अब देखियो अदा, अब इसके चौके छक्के देखियो क्योंकि इसने मिल्क बनाया है। चलो वेरी गुड, जल्दी जल्दी पी लो, बॉलर तैयार है, बैट्समैन भी तैयार है, कम ऑन कियान, ओ इट्स अ चौका, डोंट चीट। भैया एक दूध पिलाने में भी इतनी मेहनत लगती है, मिल्क थोड़ा कम पिया था आपने इसलिए ऐसा हुआ है। चलो बेटा ठीक है आप बाय, आप अद्धा घंटा खेल रहे हो, बाय हो गया दा। Few inches later, जो दिया जाए रेंट टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्सेस में उनसे डिमांड किए जाते हैं उससे मुक्ति मिले। तो यार आज सुबह से मैं व्लॉग डालने के चक्कर में लगी हुई थी,
और मैं घर भी नहीं गई अभी तक, 7:30 हो गए हैं। मुझे पहली बात तो आशुतोष के साथ कुछ सामान वाले लेने जा रहे हैं उनके एक्सपेरिमेंट का, लेकिन ब्लॉग के लिए बहुत मेहनत की, क्लासेस की वजह से एडिटिंग थोड़ी लेट फिनिश हुई, यानी कि मेरी 7:45 बज गए थे मुझे मीम वगैरह डालने में ही, और वो फाइल 3.5 GB की है, अपने फ़ोन में नहीं ली जा रही, फिर फ़ोन में सेव हुई तो लैपटॉप में नहीं ली जा रही, पता नहीं क्या अगले चाह रहा है वाईफाई में, तो अब कल पोस्टपोन करिए वो वीडियो, कल जाएगी। और अब हम जा रहे हैं आशु सर का कोई सामान लेने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, एक्सपेरिमेंट का सामान लेने, अभी मैं घर थोड़ा लेट जाऊंगी आज। ओके, मैंने क्लोज कर ली। ये क्या है, आज आपने होमवर्क कर लिया, दिखाओ मामा को, मामा को दिखाओ। वाओ, आज तो क्या उन्होंने होमवर्क कर लिया, तो डिनर हो रहा है और हमारे ही व्लॉग चल रहे हैं। कियान कियान को देख रहा है। तो गाइस बस आज का दिन ऐसे ही बीत गया, आशु सर के लिए कुछ सामान वगैरह लिया, एंड मेरा बैटरी ऑफ हो गई थी फ़ोन की, घर आई, कियान का होमवर्क वगैरह चेक किया, बैग लगाया, प्रेस करी, अब कियान के साथ 2 मिनट नीचे आई हूँ, और बस अब हम ऊपर जाएंगे, मैं इसको सुला दूँगी। तो अब कियानू नींद करने लगा है ना कियानू, गुड नाइट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है ख़त्म, होप यू लाइक माई व्लॉग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।